इंजेक्शन का नाम है इंट्रामस्कुलर, जिसे IM भी बोला जाता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। चलिए सर क्या डेफिनेशन होते हैं मस्कुलर, अब मस्कुलर समझ लीजिए मांसपेशियों में डालने वाला इंजेक्शन होता है, ठीक है। तो इसके क्या डेफिनेशन है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो ए मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेटेड इनटू अ मसल, यानी आपको ये जो मसल्स में डालने की प्रक्रिया होती है जो कि क्या किस नाम से इंट्रामस्कुलर नाम से जाना जाता है। ए मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेटेड इनटू अ मसल नोन एज अ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, यानी ये जो होती है मांसपेशी में दी जाने वाली दवा होती है जिसे इंट्रामस्कुलर के नाम से भी जाना जाता है। मसल्स में डालने वाली जो दवाई होती है उसे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के नाम से जाना जाता है। अब ये कितने डिग्री एंगल पे डाला जाता है, तो दिस इंजेक्शन इंजेक्टेड इनटू अ मसल्स एट अ 90 डिग्री एंगल, यानी इसे मांसपेशियों में 90 डिग्री एंगल पे डाला जाता है। मांसपेशियों में कितने डिग्री एंगल पे डाला जाता है, 90 डिग्री एंगल पे डाला जाता है। आप याद रखेंगे 90 डिग्री एंगल पे डाला जाता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। सो आइए जान लेते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने के लिए कौन सा साइट सही होता है और कौन सा और किन किन जगह पे इंजेक्शन लगाया जा सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फिगर 1 में ये ह्यूमन डमी का एक बम हो गया, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है, जिसमें आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहे हैं क्रॉस का चिन्ह है और इसमें तीनों खाली है, यानी यहाँ का इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से एक नर्व गुजरती है यहाँ पे, यानी यहाँ पे एक सुई नहीं देना चाहिए, यहाँ पे सुई नहीं देना चाहिए, इस वाले सरफेस में सुई नहीं देना चाहिए, इस वाले सरफेस में सुई नहीं देना चाहिए। जहाँ पे आप क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं वहीं पे आपको इंजेक्शन को इंजेक्ट करना है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना है, या फिर दूसरी भाषा में समझे तो आप हिप वाले बोन के जस्ट नीचे वाले भाग में इंजेक्शन दे सकते हैं। दूसरी फिगर में समझते हैं हिप वाले बोन के जस्ट नीचे वाले भाग में इंजेक्शन दे सकते हैं, और कितने डिग्री पे देना है, तो 90 डिग्री एंगल पे देना है, या फिर आप थाई मसल्स पे भी इंजेक्शन दे सकते हैं, जांग वाली मांसपेशी जैसे रेक्टस एरिया भी बोलते हैं इस वाले एरिया में भी दे सकते हैं, या फिर आर्म वाले जो मसल्स होते हैं उनमें भी इंजेक्शन को दिया जा सकता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कौन कौन से इंजेक्शन दिए जाते हैं इंट्रामस्कुलर में, तो जैसे कि पेन किलर्स दिए जा सकते हैं, एंटीबायोटिक्स या फिर एलर्जिक मेडिसिन, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है जो इंट्रामस्कुलर दिए जाते हैं।